इंतहा हो गई इंतजार की। ये ना सिर्फ वीडियो के सामने रखती है दो तीन वाले, उसके बाद पूरा मुकाबला करती है जब कैमरा बंद होता है। आज हम आपको तब बर्गर खिलाएंगे जब आप लोग बिल्कुल बेहोशी की तरफ जा रहे हैं। इन चारों बर्गर्स को ट्राई करेंगे और फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि किसका डबल अंडा शामी बर्गर जो है वो बेस्ट है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फूड बॉर्ड्स की टीम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम खाने जा रहे हैं अंडे वाले बर्गर। अली भाई आपका फेवरेट है ना अंडे वाला? अंडे वाला बर्गर फेवरेट है, डबल अंडे वाला बर्गर। डबल अंडे वाला बर्गर, डबल अंडे वाला बर्गर। यानी कि एक दफा फिर काम तैयार है। हम आज ट्राई करेंगे लाहौर के बेस्ट अंडे वाले बर्गर। नहीं जी, तो सबसे पहले हम पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं बरकत मार्केट में, और यहां से हम पिक करेंगे कराची किंग बर्गर और लसानी बर्गर। लसानी और इनके हम डबल अंडा जो बर्गर है वो हमने ऑर्डर हम अभी देंगे, और लेकिन अभी हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। हम सारे ऑर्डर पिक करने के बाद एक जगह बैठ कर उन चारों बर्गर को जो है वो ट्राई। और मैं कहता हूँ क्यों ना हम माल टाउन पार्क चले, उधर हम उधर कहीं बैठ के कोने खुदरे में बैठ के, ताकि कोई ना हो। हमेशा की तरह ये बंदा ना पूरी टेबल सजवा के खाबे करने के चक्कर में। तो हम आ चुके हैं इस टाइम कराची, कराची किंग बर्गर। कराची किंग बर्गर पे हम पहुंच चुके हैं और लसानी भी हमारे बिल्कुल हाँ, सामने है। यहाँ पे कराची किंग बर्गर है और बिल्कुल यहाँ पे लसानी है। दो अंडा शामी बर्गर करने, अंडा फ्राइज करना है, ठीक है, डबल अंडा शामी करने और साथ में आपने फ्राइज करने, ठीक है, और सैलेड भी डालना है, ठीक है। और यार ये आप सेम लसानी वाले भाई आपका भी यही ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे गुलबर्ग। गुलबर्ग में हम लोगों ने ट्राई करना है रिजवान तो बर्गर, रिजवान बर्गर, और दूसरा लिबे कौन सा था? लाहौर बर्गर था, पता नहीं क्या नाम है जो उसे है, वो जो लिबर्टी उसके जो पता हुआ ना मिनी मार्केट वाला गोल चक्कर। ये जो चारों के चारों बर्गर आज हम ट्राई करने वाले हैं ये बेस्ट बर्गर कंसीडर किए जाते हैं लाहौर में। जो भी खानों के शौकीन है वो कहते हैं ये है कि नहीं है, लेकिन हम इन चारों बर्गर्स को टेस्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमें कौन सा बर्गर ज्यादा बेहतर। चलें जी, एक हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया है। ये हमारा डबल अंडा शामी बर्गर है, ये साथ फ्राइज है और इसके अंदर भी सैलेड है। वाह, दो दो पैकेट कैचअप भी है जी, कैचअप भी है। तो लसानी का ऑर्डर आ चुका है, लसानी का ऑर्डर आ चुका है कराची बर्गर का। अब हम वेट कर रहे हैं, पहले इस मामले में जरा सख्त है। वो कौन सा गाना था जिसको आप याद कर रहे होते हैं, जिसमें इंतहा हो गई इंतजार की, हाय ना कुछ खबर मेरे बर्गर की। ले जी, वो इंतजार अब हुआ खत्म और कराची किंग वाला ऑर्डर भी मेरे ख्याल में आ चुका है फाइनली। तो मेरे ख्याल में आप पकड़ लेंगे ऑर्डर, आ गए ये मैं पकड़ लो, आप अपने आप ये मैं पकड़ लो। या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर ही करे, डब्बे पे चाहिए बस भाई जान, और कुछ नहीं चाहिए। बिल देना आपको भी बाद में देते हैं। यहाँ पे हमें इनके बॉक्स के अंदर मिल जाता है ये हमारा डबल अंडा शामी बर्गर, साथ फ्राइज है इसमें, लेकिन मुझे देखने में ना कोई कैचअप वगैरह नहीं मिल रही। तो लेट्स सी, अब हम जब इसको ट्राई करेंगे तो बताएंगे ये कैसा है इनका टेस्ट। लेकिन इनका बर्गर भी अगर आप देखें तो इनका बर्गर भी लंबाई में है, गोलाई में नहीं है, लंबे बर्गर है। हाँ, ये लसानी का बर्गर है, ये है जी कराची का। चलें तो चलें जी, अब हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट चलते हैं गुलबर्ग की तरफ, वहाँ पे चल के रिजवान बर्गर, थर्ड डेस्टिनेशन। आप गाड़ी चलाएं, बर्गर मिल जाएंगे। नहीं जी, गुलबर्ग की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया और आप मौसम भी देख रहे हैं, कितना क्लाउड और मजेदार किस्म का वेदर है। हम पहुंच चुके हैं बर्सा और ओफेरा रिजवान बर्गर के सामने। ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर हमने कर दिया है, वही किया है, अंडा डबल, डबल अंडा बर्गर साथ फ्राइज और सैलेड। यहाँ पे वैसे जितना रश लग रहा है मुझे लगता है यहाँ पे हमें जरा इंतजार करना पड़ेगा, तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे, ये भी बहुत बढ़िया। मैं अजी भाई की बात कर रही हूँ, ये भी काम नहीं करती। हाँ, ये आप लोग जानते हैं, ये ना सिर्फ वीडियो के सामने रखती है दो तीन वाले, उसके बाद पूरा मुकाबला करती है जब कैमरा बंद होता है। हमसे भी छीन लेती है, आपको वैसे ही बता दी है, हमसे भी छीन के खा जाती है। ये और बात है कि फेरो को लगता नहीं है ना, ये बताना था लेकिन आप बता दिए। आज हम आपको तब बर्गर खिलाएंगे जब आप लोग उम्मीद हार चुके, जब आप बिल्कुल बेहोशी की तरफ जा रहे। नहीं जी, हमारा ऑर्डर काफी इंतजार के बाद आ चुका है और मुझे लग रहा है कि इसने रिसीव, मैं रिसीव करने लगी हूं हमेशा की तरह, रिसीव करने की शौकीन। ये जी हमारे आ चुके हैं, ये जी हमारा डबल अंडा शामी बर्गर विद फ्राइज विद केचप
आ चुके हैं और ये सैलेड भी है, अगर आप इस टाइम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अब हम चलते हैं, अगली डेस्टिनेशन है हमारी मिनी मार्केट, राउंड अबाउट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बर्गर हमारा इंतजार कर रहा है। हम आ गए हैं बर्गर कॉर्नर पर, बर्गर कॉर्नर, और ये है जी मिनी मार्केट। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं और उसी तरह इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सबसे कम टाइम जो है हमें लगा है वो रिजवान पे लगा है। हाँ, वो जरा स्पीड में हो गया था और सबसे ज्यादा टाइम कराची किंग पे। कराची किंग फाइनली हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट ऑर्डर है वो भी आ चुका है और वो मैं अली भाई ने रिसीव किया, हमेशा की तरह पहले पीछे से रिसीव कर दिया जी। तो व्यूअर्स, इस टाइम हमारे चारों बर्गर्स हमें रिसीव हो चुके हैं। एक लासानी है, एक है बर्गर किंग, तीसरा है जी हमारा बर्गर कॉर्नर और चौथा है रिजवान बर्गर। तो चारों बर्गर्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, अच्छा खासा टाइम भी लग चुका है हमारा। तो अब हम लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे बैठ के हम तीनों इन चारों बर्गर्स को ट्राई करेंगे और फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि किसका डबल अंडा शामी बर्गर जो है वो बेस्ट है। जी व्यूअर्स, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आ गया और चारों बर्गर हमारे सामने आ चुके हैं, रिजवान बर्गर, कराची किंग बर्गर, लखानी और बर्गर कॉर्नर। तो अब हम क्या करेंगे मिस फेरन के साथ? अब हम सिंपल सा काम करेंगे, हम एक एक करके बॉक्स ओपन करते जाएंगे, हम तीनों एक बर्गर को ट्राई करेंगे और इस तरह बारी बारी हम सारे बर्गर्स को ट्राई करेंगे और उसके बाद बताएंगे इनके रेट्स के बारे में, ठीक है, और इनके टेस्ट के बारे में। कराची किंग से हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये अली भाई एक ले लें आप प्लीज। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं बर्गर की, बॉक्स की, तो इसमें फ्राइज है, इसके साथ आपको बर्गर मिलेगा। अगर बर्गर की बात करूं तो बर्गर में आपको बन, मायोनीज, डबल अंडा, उसके बाद नीचे कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, थोड़ी सी बस। उसके अलावा जो है केचप है और साथ है जी आपका कबाब आ जाता है। और भट्ट साहब एज यूजुअल रिव्यू देने की बजाय खाने पे फोकस करते हुए, तो अब हम जरा इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। अरे जी, मुझे तो वैसे अच्छा लगा है अभी तक, क्योंकि बड़ा बैलेंस सा लग रहा है। इनके फ्राइज थोड़े से हार्ड हैं, बाकियों का भी टेस्ट करते हैं तो बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके टेस्ट हर चीज़ का आ रहा है। जैसे ही आप बाइट लेते हैं आपको कबाब का टेस्ट भी आ रहा है, आपको अंडे का तो भरपूर टेस्ट आ रहा है, उसके साथ जो मैंने आपको दिखाया केचप है, मायोनीज है, इन सब चीज़ों का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है जी। लसानी का बर्गर आ चुका है। बर्गर के बॉक्स में एज यूजुअल आपको फ्राइज, ये छोटी सी केचप है, ये भी मिलती है हमें। अब जी ये दें आप लोग अपना बर्गर ले लें। अली भाई, इनके फ्राइज भी कच्चे हैं, हार्ड है, कच्चे हार्ड और ऑयल से भरपूर। इसकी लेयरिंग अगर देखें तो यहीं से ही, आपको खोलने की बर्गर जरूरत नहीं है। और मेरा तो ये टूट गया है। बन के बाद सीधा केचप, केचप के बाद आपको कबाब, कबाब के बाद डबल अंडा है, अंडे के ऊपर फिर कबाब है, ये बीच में आपको मायोनीज भी नजर आ रही है, वेजिटेबल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। चलें जी, अब मैं अपना ये जो बर्गर है इसको टेस्ट करती हूँ। सेकंड है मेरे ख्याल में, अब आपको इसमें चीजें ज्यादा डलेंगी, मायोनीज वगैरह भी, वेजिटेबल वगैरह भी जो हमने पहले, मायोनीज वैसे पिछली में भी थी लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम, कम बहुत कम थी, बहुत कम। इसमें हर चीज ज्यादा लग रही है। दोनों ने बातें बहुत कर ली है, मैं खा के बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक ना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक फ्लेवर आ रहा है। अब आई डोंट नो वो अंडे में आ रहा है या नहीं, वो नहीं, 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 कबाब वो में आ रहा है, मैं जरा उसको दोबारा, कबाब में है और वो ऐसा लगता है कि काली मिर्च का इस्तेमाल बड़ा तेज हुआ है और पहले वाले कराची किंग वाले और इसमें बड़ा डिफरेंस है। और मुझे तो वैसे फौरी हिट की है काली मिर्च जाके, इसमें बहुत ज्यादा काली मिर्च है और इवन आप बाइट लेते हैं और काली मिर्च आ रही है मुंह में, अंडे का टेस्ट आ रहा है। अच्छा जी, बर्गर कॉर्नर की अगर हम देखें, इसका बन बड़ा डिफरेंट है बाकी बन से, बड़ा स्मूथ सा इसका बन है और फ्राइज भी इसके बड़े अच्छे लग रहे हैं। ट्राई करते हैं, हम देखते हैं फ्राइज इनके बाकी मजे के। अच्छा जी, ये लें जी। अच्छा जी, एक और चीज देखा, इन्होंने केचप हमें साशे में दिया है। पहला अंडा शामी बर्गर है जिसमें मुझे प्याज देखने को मिल रहा है। अभी तक प्याज किसी में नहीं थे, इसमें प्याज भी आ रहे हैं। इसमें नीचे जो है वो जो शामी कबाब होता है उसकी लेयर है, उसके बाद पूरे वेजिटेबल्स की लेयर है, साथ केचप भी है, मायोनीज भी है और ऊपर आ जाते हैं ये डबल अंडा। अच्छा भट्ट साहब, इसमें मज़े की चीज़ है, अगर आप इसको स्मेल करें, बड़ी मज़े की अंडा और शामी की मिक्स से स्मेल आ रही है, जो लसानी वाले में से ना थोड़ा सा वो काली मिर्ची नहीं आ रही है उसमें, और उसमें किसी चीज़ की नहीं आ रही। और वाकई ये बर्गर
अभी तक इनका बर्गर भी अच्छा है और इनके फ्राइज भी बड़े मजे के हैं। चलें जी, हमारा फोर्थ बर्गर फाइनली रिजवान का बर्गर जो हमें लुक वाइज सबसे अच्छा लग रहा था, अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये नहीं अली भाई और बट साहब, और अगर प्राइस की बात अगर मैं करूँ तो अभी तक का ये सबसे महंगा बर्गर जो है वो रिजवान का बर्गर है। रेट्स थोड़ा सा अगर आप बता दें आप दोनों। हाँ जी, अच्छा जो कराची किंग है उसका रेट 160 था विद फ्राइज, और उसके बाद लसानी का भी रेट 160 है with fries. With fries and salad. हाँ जी, और उसके बाद हम आ जाते हैं बर्गर कॉर्नर पे, इसका 190 आई थिंक। हाँ जी, 190 है इसका रेट with fries and salad. और ये जो रिजवान बर्गर है ये सबसे महंगा था अभी तक जितने अभी हमने अंडा बर्गर लिए। ये कितने का था, इसका क्या रेट है? इसका रेट है जी 240 रुपीज का अंडा बर्गर। अच्छा, इसमें पहली बाइट लेने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि शामी का कुछ फ्लेवर समझ नहीं आया कि मर्च लग रहा है। आई डोंट नो, नहीं टेस्ट नहीं आ रहा। दूसरा देखे अंडे का जरा टेस्ट आ रहा है यार, है ना नीचे। मैं इसको कर नहीं पा रहा डिफाइन। अंडे से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने दो बाइट्स लिए हैं, दोनों बाइट्स में सबसे ज्यादा मेरे मुंह में मसालों का टेस्ट आ रहा है, मसाले, दूसरा ये प्याज, इसका टेस्ट आ रहा है। अंडे का कोई टेस्ट नहीं आ रहा। मैं अंडा अगर खाली ट्राई करके देखो, पता नहीं नमक भी डाला इन्होंने कि नहीं। नहीं है, क्योंकि ये सिंपल अंडा है। नहीं, सिंपल अंडा, अंडे में किसी किस्म का कोई नमक नहीं है। नहीं जी अली भाई, ये तो मैं तो सोच रहा था 240 रुपए का अंडा शायद सोना देंगे, साथ कुछ और देंगे। अंडा भी बिल्कुल ठीक है ना, इन्होंने ये सैलेड दे दिया। सैलेड तो हमने ली है ना, फ्राई केचप जो है वो दे दी थोड़ी बेहतर तरीके से। लेकिन अली भाई ये ऊंची दुकान फीका हो गया। अच्छा, उसमें ये है कि हमारे रिव्यूज़ के मुताबिक जो हमने टेस्ट किया उसके मुताबिक हमें जो सबसे बेहतर लगा अभी तक इन चारों में से वो बर्गर कॉर्नर वाला जो है, और वो हमारे मुताबिक फ्राइज देखे, फ्राइज भी ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने हमें पुराने दे दिए, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मेरे ख्याल में कराची किंग वालों का था, और थर्ड पे रिजवान एंड फोर्थ पे लसानी। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारा रिव्यू है। मैं तो कहता हूं फोर्थ पे रिजवान, क्योंकि हम नेक्स्ट इसी तरह आपको दोबारा आपको इसी तरह रिव्यूज लेके आपके सामने आते रहेंगे, एक नए रिव्यू के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहे फूड वॉच, क्योंकि हम है द टेस्ट एक्सप्लोरर।